वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन ट्री हाउस एजुकेशन लिमिटेड एंड एजुकेशन एंड एसेसरीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट न्यूज भी देखेंगे। तो ट्री हाउस एजुकेशन लिमिटेड आज एक दिन में देख सकते हो कि 19 टू तकरीबन 20% की रैली के 20% तक अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है आज के दिन में टोटली स्टॉक को। तो बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 1.85 पैसे की रैली के तकरीबन 20% की रैली करता हुआ नजर आ चुका है और ओपन सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी चीज़ है उसके पहले न्यूज़ की बात की जाए तो न्यूज़ में देख सकते हो तकरीबन कोई खास न्यूज़ तो नहीं बाहर निकली है, पर जो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई यहाँ पे जो डिटेल्स में देखे जाए तो पहले देख सकते हो कि कोई यहाँ पे बल्ड डील देखी जाए तो रिसेंटली कोई बल्ड डील भी के यहाँ पे न्यूज़ भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाकी के जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी यहाँ पे देख सकते हो पूरी की पूरी प्लेस्ड है, जो कि अच्छी चीज नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक के अंदर। तो इंटरेस्ट वैल्यू देखी जाए तो इंसफिशिएंट डाटा है, पर यहाँ पे बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न नहीं देता है। डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड भी ऑफर नहीं करता है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरब्रॉड जोन में नहीं, एक ही अच्छी बात है, पर प्रोमोट होल्डिंग में सभी शेयर्स प्लेस्ड है जो कि अच्छी बात नहीं है। तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हो आने वाले 12 महीने में लो रहने के चांसेस है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप देख सकते हो 39 करोड़ की सीप यहाँ पे दिखाई दे रहे। रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क में स्टॉक मुड़ता है। तो की मैट्रिक्स में देख सकते हो पी रेशियो माइनस में, टोटल जो डेप्ट है 33 करोड़ का यहाँ पे डेप्ट है और जो नेट इनकम यहाँ पे 27 करोड़ का लॉस हो चुका है इस साल में। टोटल रेवेन्यू भी देख सकते हो 22 करोड़ का और टोटल एसेट्स है 334 करोड़ के। तो फाइनेंशियल ट्रेंड का देखा जाए तो पिछले 4 साल से यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी लॉस में जाती हुई नजर आ चुके हैं और पर यहाँ पे इस साल रेवेन्यू है, रेवेन्यू ने अच्छा ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ चुका है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखा जाए तो ट्री हाउस एजुकेशन स्टॉक के लिए।